मेरा नाम सर गुरमीत सिंह बाली है, मैं ट्रेजर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर हूँ। आज हम अपने दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का 357वां आगमन पर्व, प्रकाश पर्व, जो कि पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मूल नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से मनाया जा रहा है, उसी सिलसिले में कश्मीर का जो सबसे बड़ा इज्तिमा गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावाड़ी में उस महान योद्धा जरनैल परोपकारी भगत, गरीबों का दानी, पुत्रों का दानी, जिन्होंने सरबत के भले के लिए, मजलूमों के लिए, जिनके पिताजी नौवीं पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जुल्म का खात्मा करने के लिए अपना शीश कटवा दिए, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जबर जुल्म की खातिर अपना पूरा सरबंस निशावर, अपने चार साहबजादी, अपनी माता, पूरी सरबंस अपनी कौम के लिए, सरबत के भले के लिए, मजलूमों के लिए शहीद करवा दिया। आज हम उनका प्रकाश दिवस मना रहे हैं। इसी सिलसिले में जो सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है वो साध संगत के सहयोग के साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा छठी पातशाही काठी दरवाज़ा में मनाया जा रहा है, जो कि परसों से इलाही बाणी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अखंड पाठ साहब आरंभ हुए थे, जिनके आज सुबह 9:30 बजे सब निर्विघ्न समाप्ति हुई है। उसके बाद जो दोपहर का जो विशेष दीवान है वो अंदर हॉल में चल रहा है, और सारी साध संगत जो भी पूरी वैली की है वो यहाँ पे इकट्ठी हुई है। वो आज के दिन अपने गुरुजी और उनके बताए हुए आदर्श, जिन जिन जिनमें उन्होंने सबको अपने साथ, सरबत का भला, अपने धर्म पे परपक्ष रहना और मानवता की सेवा करने के जो हमें उपदेश दिए हैं उस पर हमने अरदास करनी है। और आज अरदास ये भी करनी है कि अकाल पुरख सबका अपना मेहर प्रयाहत, सबके जो भी जितनी भी ह्यूमनिटी है पूरे वर्ल्ड में, सबको अपना मेहर प्रयाहत सिर पे रखें। और इसी सिलसिले में आज जो भी डिवोटीज हैं साध संगत, उनके लिए लंगर, चाय इत्यादि का प्रोग्राम भी यहाँ रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें भी काफ़ी सहयोग मिला है। इसी सिलसिले में डीसी साहब जो थे, उन्होंने परसों एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ उन्होंने एक मीटिंग भी ली थी, जिसमें उन्होंने सब डिपार्टमेंट्स को आदेश दिए और सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पहुँचे भी थे। हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी आपके माध्यम से पूरा शुक्रिया अदा करते हैं, और एक बार फिर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आपको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ